विभिन्न कपड़ा फैक्ट्रियों और तथा ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले 1,407 श्रमिकों को भीलवाड़ा से उत्तर प्रदेश के झांसी के लिए रवाना किया गया। ट्रेन की रवानगी के समय जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट, पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर सहित रेलवे के कई अधिकारी मौजूद रहे। ये ट्रेन आगरा, चित्रकूट और झांसी के श्रमिकों को लेकर रवाना हुई। इस दौरान नियमों का पूरा पालना करते हुए मास्क तथा सैनिटाइजर, खाने के पैकेट्स और पीने के पानी का भी प्रबंध किया गया। 1,456 कैपेसिटी है ट्रेन की और करीब 1,432 लोग इसमें जाएंगे और सभी आ चुके हैं और आज यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी सबने गोले बने हुए थे। सबको खाने पीने का सामान, सैनिटाइजेशन, साबुन और हाथ धोने का साबुन और जो पैकेट्स दिए गए, फूड पैकेट्स जिसमें बिस्किट्स वगैरह भी हैं, तो पूरी मात्रा में उनको खाने पीने का सामान दिया गया है, सैनिटाइजेशन का सामान दिया है। सुबह पूरा स्टेशन जो था वो सैनिटाइज कराया गया था और रेलवेज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारी जो टीम यहाँ लगी हुई थी, जिन्होंने एक एक व्यक्ति से संपर्क किया, एक एक व्यक्ति को बस में यहाँ पर लाया गया है और बसेस से यहाँ अंदर लेके आए हैं और उनके डब्बे, कोच, सीट्स सब बिल्कुल ऑर्गेनाइज थे। उनको प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कर रही है। लॉकडाउन के लगने के बाद भीलवाड़ा में भी वस्त्र नगरी जो है उसमें भी उद्योग धंधे बंद हो गए। यहाँ जो प्रवासी श्रमिक हैं भीलवाड़ा में ही अटके रह गए हैं, उनको बाहर भेजने का काम प्रशासन कर रहा है और भीलवाड़ा में प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। भीलवाड़ा में ट्रेन के द्वारा भीलवाड़ा से झांसी, आगरा और रायपुर के लिए ट्रेन रवाना हो रही है, जिसमें 1,400 श्रमिकों को बाहर भेजा जाएगा। इनकी सुबह से ही स्क्रीनिंग की जा रही है, इनको खाने पानी की व्यवस्था की गई है, इनको पानी की व्यवस्था की गई है। सभी को मेडिकल चेकअप कराने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और स्टेशन के अंदर इनको भेजा जा रहा है। गाड़ी में भी हर बर्थ पर एक श्रमिक को बिठाने की व्यवस्था है। श्रमिक के साथ अगर कोई बच्चा है तो वो बैठ पाएगा। हम देख रहे हैं कि अभी रोडवेज की बसों के द्वारा स्टेशन पे श्रमिकों को रोडवेज की बसों के द्वारा लाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखकर उनको एक एक करके निश्चित दूरी पर बिठाया जा रहा है और जांच करके और खाने की चीज़ें देकर उनको स्टेशन भेजा जा रहा है। मजदूरों को भी चेहरे पर भी पूरी खुशी है, खुशी का भाव है कि वो प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं में वो अपने घर पहुँच रहे हैं और प्रशासन को वो धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरा पर्सन गोविंद पाइक के साथ योगेश शर्मा, M1 TV भीलवाड़ा।